कोरोना संकट से जूझती दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में बनी फिर कोरोना जंग की रणनीति है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकले, नहीं वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकले, बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकले। वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट, नाइट कर्फ्यू पहले से है लागू। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में अपनाया जाएगा वर्क फ्रॉम होम का फॉर्मूला। दिल्ली में निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ कामकाज की रहेगी मंजूरी। बढ़ते कोरोना संकट और वीकेंड लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार मेट्रो और बसों में 100% क्षमता से सफर करने को दे चुकी है मंजूरी। पहले 50% क्षमता की लगाई गई थी पाबंदी। मनीष सिसोदिया ने मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर लंबी लाइन का दिया हवाला, कोरोना स्प्रेड की बताई आशंका। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी, दिल्ली में बिना मास्क मेट्रो और बस में नहीं कर सकेंगे सफर। डिप्टी सीएम ने कहा, बेहद जरूरी हो तभी घर से निकले बाहर। देश में बढ़ा कोरोना का प्रकोप, जिन पर कोरोना फैलने से रोकने का जिम्मा, लापरवाही में वो खुद रहे कोरोना पीड़ित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित, सीएम ने ट्वीट कर दी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी, माइल्ड सिम्टम्स का दिया हवाला। कोरोना पीड़ित सीएम ने खुद को किया होम आइसोलेट। सीएम केजरीवाल ने संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने और खुद को आइसोलेट करने की दी नसीहत। सीएम केजरीवाल ने कल देहरादून में की थी रैली, रैली के दौरान बिना मास्क नजर आए थे केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना के नए केस 4,099, पॉजिटिविटी रेट हुआ 6.5% के पार। रविवार के मुकाबले दिल्ली में केस 28% बढ़े, एक मौत दर्ज। दिल्ली में फैला ओमिक्रॉन, नए केस में 81% ओमिक्रॉन के मामले। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच ओखला मंडी का दिखा बुरा हाल, भीड़ में बिना मास्क नजर आए बहुत सारे लोग। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी का बुरा हाल, कोरोना नियमों की सरेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। दिल्ली के सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। मनोज तिवारी ने ट्वीट में लिखा, 2 जनवरी से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था, कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में नहीं जा सका, खुद को घर में किया है आइसोलेट। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतार, सिर्फ 50% सीटों पर यात्रियों को सफर की है मंजूरी। मेट्रो में यात्रियों के खड़े रहकर सफर पर है पाबंदी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के एमबी रोड पर बस यात्रियों की भारी भीड़, लेकिन बस रुकने पर टूटता दिखा यात्रियों का सब्र, धक्का मुक्की की तस्वीरें आई। नए साल का जश्न मनाने ऋषिकेश पहुंचे 28 सैलानी, कोरोना पॉजिटिव पाए गए, स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटा रही है ट्रैवल हिस्ट्री, संपर्क में आने वालों की होगी कोरोना जांच। मुंबई में गोवा पहुंचे कॉर्डिलिया क्रूज पर कोरोना विस्फोट, क्रूज में मौजूद 66 लोग कोरोना पॉजिटिव, क्रूज में मौजूद हैं 2000 यात्री। कोरोना पीड़ितों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद गोवा सरकार ने क्रूज के लोगों को गोवा में उतरने की नहीं दी मंजूरी, वापस मुंबई भेजा, लोगों में दिखी नाराजगी। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है, तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में, तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है, तो पूरी खलबली मच गई शिप में। क्रूज के एक स्टाफ मेंबर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हुआ था सभी 2000 लोगों का टेस्ट, 66 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। मुंबई बीएमसी की तैयारी, क्रूज के मुंबई पहुंचने पर सभी 2000 यात्रियों का फिर होगा कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट के बाद उठाए जाएंगे जरूरी एहतियाती कदम। प्रियंका गांधी के परिवार में कोरोना की एंट्री, एक सदस्य और एक स्टाफ संक्रमित, कांग्रेस महासचिव ने खुद को किया आइसोलेट। कोविड पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, गाजियाबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती। नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, सीएम के साथ मुलाकात से पहले हुआ एंटीजन टेस्ट। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिवार के 18 लोग पॉजिटिव, पटना में कई डॉक्टर भी हुए हैं संक्रमित। पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना का कहर, 100 छात्र कोरोना पॉजिटिव, हॉस्टल खाली करने का निर्देश। मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी ने 22 परियोजनाओं का किया उद्घाटन, इम्फाल में की रैली, कहा डबल इंजन की सरकार से मणिपुर का हो रहा है जोरदार विकास। ने भी कहा है कि देश के पूर्वी हिस्सा
नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर के 60% घरों में पहुंच रहा है पाइप वाला पानी, जल्द पूरा होगा 100% का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम सम्मान से मिला करोड़ों रुपए, 4,25,000 लोगों का आयुष्मान योजना से मुफ्त हुआ इलाज। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर की जनता के एक वोट ने रची विकास की गाथा, मणिपुर में 30 लाख कोरोना वैक्सीन की मुफ्त डोज लगाए जाने का भी दिया हवाला। यूपी के बरेली में कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं की मैराथन रेस में हादसा, भगदड़ मचने से कई छात्राएं घायल। बरेली में मैराथन के दौरान घायल 3 छात्राओं को एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल, कांग्रेस ने साजिश की ओर किया इशारा। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कहा आज आपके पैसे से हो रहा है विकास, समाजवादी सरकार ने पैसा दीवारों के पीछे चला जाता था जिसे हमारी सरकार जेसीबी लगाकर निकाल रही है। सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवारों से निकाल निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के। सीएम योगी ने कहा आज किसी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है पीछे बुलडोजर खड़ा है। सीएम योगी ने कांग्रेस एसपी बीएसपी पर कसा तंज, कहा बुलडोजर चलने पर दिल्ली में बैठे इटली की चिंता करने वाले भाई बहन होते हैं परेशान। सीएम योगी ने सैफई में बैठे बबुआ और कभी कभी बुआ को भी सताती है चिंता, यूपी में माफियाओं पर क्यों चल रहा है बुलडोजर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे। अखिलेश सत्ता के सपने वाले बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मुंगेरीलाल का असीम सपना देखना बंद कर 2022 के बजाय 2027 के चुनाव पर दें ध्यान। मेरा यह मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी को 2022 के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए, तैयारी 2027 की करना चाहिए। देश में विधानसभा चुनाव से पहले सूर्य नमस्कार बना मुद्दा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कूल में सूर्य नमस्कार को बताया गैर इस्लामी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफ रहमानी का फरमान, सूर्य नमस्कार में शिरकत ना करें मुस्लिम छात्र। कल लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अखिलेश यादव सपने में आते हैं श्री कृष्ण, जीत का मिला आशीर्वाद। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने का लिखा था पत्र, श्री कृष्ण से मिली प्रेरणा का दिया था हवाला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के बेतहाशा बढ़े मामले, 37,379 नए मामले, 124 की मौत। कोविड की रफ्तार ने महाराष्ट्र की हालत खराब, एक दिन में 12,160 नए मामले। मुंबई में 90% मरीजों में लक्षण नहीं, 31 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद।